एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तावन का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और हमारी वीडियोस को शेयर करने का। इस वीडियो को आखिर तक देखें और पैगाम का हिस्सा बने। हम आपके हर मैसेज को पढ़ते हैं, आपकी जो फीडबैक है बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप मैसेजेस भी करते रहें और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो आप हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में आपको पता है कि पाकिस्तान के सेनेट के अंदर एक बिल मुस्तरद हुआ जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ था। सिंपल बिल है, उसका नाम है कि अकलीतों के तहफ़ का बिल। तो अकलीतों के तहफ़ का बिल सेनेटर जावेद अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है, हिजब इख्तलाफ की जमात है, उन्होंने पेश किया। और इस बिल को अगर इसका नाम भी पढ़ें तो अकलीतों के तहफ़ का बिल, इसका मतलब कि उनको कहीं ना कहीं तहफ़ फ्राहम नहीं किया जा रहा, या उनके तहफ़ात हैं यानी कि रिजर्वेशन हैं, जिसकी वजह से इस बिल को लाने की ज़रूरत महसूस हुई। और रिकॉर्ड के लिए बताते चलें कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लास्ट ईयर सितंबर 2020 में यही बिल पेश किया गया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया था सेनेट में, और फिर दोबारा वही बिल, सेम बिल आया, और जिसके अंदर सेम डिमांड्स थी अकलीतों के लिए कि उनकी जो कमसन बच्चियों को उठा लिया जाता है, जबरी शादियाँ की जाती है, उनकी जो मजहबी मुकामात है उसकी हिफाजत की जाए। इससे मुद्दे जो थे, जितनी भी उनकी डिमांड्स थी जो बराह रास्त पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, ये उससे मुतल्लिक बिल था जिसको पेश किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट है उसके अंदर कायमा कमेटियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ अमूर के हवाले से, को डिफेंस की भी हो सकती है, माइनॉरिटीज़ की भी हो सकती है, इंसानी हकूक की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है। ये बिल जो था, ये देखें कितना एक भोंडा सा मजाक किया गया कि इसको पेश किया जाना था सेनेट की जो इंसानी हकूक की कायमा कमेटी है, लेकिन उसको पेश कर दिया गया जो मजहबी अमूर की, रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी है, जिसके सरबराह JUIF के जमीयत उलमा इस्लाम फजलुरहमान ग्रुप के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी हैं। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि ये जितनी भी सिफारिशात इस बिल में पेश की गई ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के आयन में मौजूद हैं, इसलिए इसको मुस्तरद कर दिया जाए। हालांकि अजीब सी बात है कि इन पे तो हम बात करते हैं कि मौलाना साहब ने क्यों मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें तो उन्होंने कभी फेस ही नहीं की हुई जो अकलीतें फेस करती हैं। लेकिन अब इस पर इस कमेटी की ज़रा नाम सुन लें कि जो सेनेट के अंदर ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है इंसानी हकूक की, ह्यूमन राइट्स की, उसके अंदर चेयरपर्सन है मुस्तफ़ा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी वाले, और 13 रुकनी कमेटी है टोटल, जिसमें बड़े बड़े नाम है जैसे बैरिस्टर सैफ, आपको पता है, उस्मान काकड़ हैं, फिर राजा जफरुल हक सीजन पॉलिटिशियन, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सरफराज बुगटी हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग एक दो नाम है सैनिटर कामरा माइकल और किशो भाई कृष्णा कुमारी, जिनका ताल्लुक सिंध से है, पीपल्स पार्टी से है, और वो बड़ा जब इलेक्ट होके आई थी तो बड़ा उनका नाम बना था कि सिंध से एक हिंदू खातून को टिकट दी गई और वो अब सेनेट का हिस्सा है, बड़ी सादा खातून है। तो इन्होंने बायकॉट भी किया, और ये जब बिल पेश किया गया था तो इस पर वॉकआउट किया है। तो अब ये है कि सेनेटर जावेद अब्बासी ने ये बिल क्यों पेश किया, कि अब वो लाइलम से, या उनको कानून नहीं पता, या सेनेट को नहीं पता कि कौन सा बिल किस कमेटी को पेश किया जाता है, तो बेखबरी थी, या कानून का नहीं पता था, या कोई बदनीति थी, इसकी तो पता नहीं, समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल एक बात समझ में आती है, जो मौलाना साहब जानबूझ के शायद भूल गए हैं कि मौलाना साहब को क्या पता है कि जबरी तब्दील मजहब क्या होता है, किसी की बच्ची को कोई उठा के ले जाए, किसी की बेटी को अगवा कर लिया जाए, उसके साथ जबरी ज्यादती हो, या उसको सर के ऊपर मजहब के नाम पर शादी ठोंस दी जाए, थोप दी जाए, तो ये मौलाना साहब को नहीं पता। फिर मौलाना साहब को ये भी नहीं पता कि किस तरह अकलीतों की मजहबी इबादतगाहों को जला दिया जाता है। अभी आप देखें करक में क्या हुआ था, जो मंदिर को नजरियातश कर दिया गया। इसके अलावा माजी में बरहा चर्चिस के ऊपर अटैक हुए हैं, मसीही वादियों पर अटैक हुए हैं। अभी ये पिछले दिनों की बात है कि पेशावर में एक और अहमदी डॉक्टर को एक नौजवान ने, जो मरीज़ बन के आया, और देखें डॉक्टर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। ये क्या है? फिर इससे पहले हमने माजी में देखा था कि एक अहमदी शख्स को अदालत के अंदर पेशावर में कत्ल कर दिया गया था। ये चीज़ें मौलाना साहब को भूल गई हैं, ये एक्सपीरियंस ही नहीं, वो फील ही नहीं आती। जब कोई अकलीती रुकने असम्बली होगा ना, कोई पार्लियामान का हिस्सा होगा, तो उसकी सेंस फिर भी बनती है कि वो
जिस दर्द के साथ पेश करेगा, या जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी बनी है उनको समझ में आती है, ये मौलाना साहब को क्या पता है, ये पेश ही गलत कमेटी के सामने पेश कर दिया गया, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। तो इसको पता नहीं अब बेईमानी कहा जाए, लाइलमी कहा जाए, ना जाने क्या कहा जाए। फिर इसके अलावा ब्लास्फेमी लॉज का भी मौलाना साहब को नहीं पता कि ये क्या तलवार होती है, क्योंकि मौलाना साहब ने कभी ये चीज़ें देखी नहीं है कि ब्लास्फेमी का लॉज जब हरकत में आता है तो पहले आसिफ बीबी और अब जैसे तबीता गिल, पता नहीं चला बेचारी वो खुदा खैर करे ठीक है जहाँ भी हैं, तो किस तरह छुपना पड़ता है, अपनी जान को बचाना पड़ता है, लोग भूखे भेड़ियों की तरह पीछे भागना शुरू कर देते हैं, खून के प्यासे लोग, पता नहीं क्या उनको एक खून की प्यास है, जैसे वो किसी के खून से बुझाना चाहते हैं, आप किसी की खुदा ना खासा जान ले लेंगे, खून बहा देंगे, तो उससे फिर आपको क्या सुकून मिलेगा, ये मौलाना साहब को नहीं पता। अब या तो मौलाना साहब शायद खुद वो खून अशाम लोगों की साफ में खड़े हुए हैं तो इसलिए उनको नहीं पता, ये जानबूझ के उनको क्या एक्सपीरियंस हो सकता है ऑनेस्टली। फिर इसके अलावा मौलाना साहब को ये भी नहीं पता कि दूसरे दर्जे का शहरी होना किसे कहते हैं, कि आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए आइनी लिहाज से सेकंड क्लास सिटीजन है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क के सरबर नहीं बन सकते, ये चीज़ें मौलाना साहब को नहीं पता। तो यूं ही लग रहा था कि जैसे दूध की रखवाली के लिए एक बिल्ली को जॉब दे दी जाए। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अकलीतों की मसाइल का हल उन्हीं लोगों के हाथ में दे दिया गया जो खुद मसाइल पैदा करते हैं या जो खुद जानों से खेलते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये क्या जुल्म हुआ है। और रही सही कसर जो है वो अकलीत कान निकाल देते हैं अपनी कौम की, कि एक किशु भाई ने तो वॉकआउट कर दिया, लेकिन वो चले एक अलामत होती है, एहतजाज होता है, तो बाकी जो अकलीती अरकान है ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होना तो ये चाहिए था कि आप पार्टीज को छोड़ें, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, पीटीआई, पीपल्स पार्टी या नून लीग से, तो आपको एक कॉकस होना चाहिए। और ये कॉकस क्या होता है कि ये मैंने इस्लामाबाद में था 2019 में, तो मेरी एक सिटिंग पीटीआई के दोस्त हैं हमारे, उनके साथ बात हुई, हमने कहा कि आप एक काम करें कॉकस बनाएं। कॉकस ये होता है कि जैसे यहाँ बरतानिया है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के मसले के ऊपर बहुत से हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं पाकिस्तान या कश्मीरी बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका ताल्लुक चाहे लिबर पार्टी से हो या कंजर्वेटिव से हो या लिब डेम से हो या किसी भी पार्टी से हो, वो अपने एथनिक बैकग्राउंड की वजह से वो एक एक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के इशू के ऊपर उनका मौका फेक है, तो वो एक कॉकस बना लेते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अपने पीटीआई के दोस्त हैं इस वक्त सिटिंग एमएनए हैं, तो हमने उन्हें कहा कि आप बात करें अकलीती अराकीन से, दीगर पार्टियों से। तो फिर उन्होंने बाद में फरमाया कि इन्होंने स्पीकर से भी बात की थी कौमी असम्बली के, तो स्पीकर ने पूछा कि आपको ये कॉकस क्यों बनाना है, इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कॉकस बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो मामला कहाँ गया पता नहीं किस तरह ये लोग भूल जाते हैं या अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो कॉकस अगर बना होता तो ये कॉकस जो है ग्रुप होता, ये सारे उठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वावेला मचाते, क्योंकि प्रेस एक बड़ा मजबूत हथियार है आज की दुनिया में, तो कोई भी नहीं बोला ना, प्रेस के पास गए हैं तो चुप करके जनाब वही अपनी टाइम पास कर रहे हैं। और क्या इनके काम है, 2.5 साल हो गए हैं तो इन्होंने कौन सा ऐसा काम करवाया जिसको फिर रश किया जाए, कुछ भी नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक गैरत का मादा होता है अपनी कौम के लिए, गैरत का मादा वो किसी भी खातून में भी हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, मर्द में भी हो सकता है, ये चंद अफराद जो पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं उनकी गैरत का मादा कहाँ चला जाता है। अब देखें कि पिछले दिनों में ये मौलाना साहब की गफूर अदरी साहब को एक बात मैं मुझे फिर याद आ गई कि पिछले दिनों में ये अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक सिलेबस है 2020 और 21 का, उसमें दूसरी जमात का उर्दू का एक चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल उसमें लिखी हुई थी कहानी के ये जी कुछ यानी कि गंदवी रंग का कोई शख्स है तो उसका नाम है जोसेफ, तो बच्चे आपस में कह रहे हैं कि जी ये कौन है जी, तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे को कि ये जोसेफ है, इसका रंग सांवला है और इसके हाथ से खाना नहीं खाना, तो ये कितनी शर्म की बात है। इस पे तो जनाब पार्लियामेंट के आगे आपको बैठ जाना चाहिए था, जो स्पीकर का फ्लोर है उसके आगे धरना दें और बोलें कि जब तक ये आप यकीन दहानी नहीं कराते कि टेक्स्ट बुक बोर्ड या इस तरह का कोई फौरी एक्शन नहीं लिया जाता, इस तरह की मगरब की किसी दुनिया में छोटी सी बात भी भिनक पड़ जाए लोग किताबें स्टॉक से उठवा लेते हैं, मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है जो एजुकेशन के है। तो शफकत महमूद साहब की तरह, मुराद रास की तरह, तो कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें सिलेबस के अंदर अलाउ किस तरह करते हैं, और ये एकदम नहीं होता। ये है कि ये कमेटी कोई ना कोई बुक की होती है, टेक्स्ट बुक की, वो इसको पढ़ती होगी तो अप्रूव करती होगी, तो सोचें कि जो लोग टीचर टाइप लोग होंगे
उन्होंने ये बुक पढ़ी होगी तो फिर अप्रूव की होगी तो फिर ये छपी है ना। तो जब अप्रूव कर रहे होंगे तो उनके कितने गंदे जहन हैं जिन लोगों ने ये पास किया है सारा सिलेबस, फिर वो छपा है और तब तक किसी ने इसको पढ़ा ना, किसी ने एतराज़ किया। तो इसका मतलब कि जो लिखने वाले थे वो नंबर 1 गंदे लोग थे जिन्होंने लिखा, जिन हाथों ने लिखा, जिस जहन के अंदर ये चीज़ आई, और जिन्होंने अप्रूव किया वो उनसे भी बड़े गंदे थे, और जो मिनिस्टर हैं जो कोई एक्शन नहीं ले रहे वो उनसे भी बड़े गंदे हैं। तो ये गंद भरा हुआ माशरे के अंदर। तो ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ये गंद नज़र नहीं आता, पता नहीं वो खुद शायद इस गंद का हिस्सा है। तो कोई शर्म नहीं, कोई इनको परवाह नहीं है कि अपने मुल्क के अंदर आप रहते हुए बिल तो मुसरत कर देते हैं लेकिन मेक श्योर नहीं करते कि अकलीतों को हकूक फिर कैसे मिलेंगे, और अकलीतों के जो नुमाइंदे हैं वो भी बेशर्म हैं, उनके अपने अंदर पता नहीं वो खौफ भरा हुआ है। और उनसे तो यही कहूँगा कि आप सुबह उठ के आईना कैसे देखते होंगे, क्योंकि आप आपकी जॉब तो यही है ना कि आप एक अपनी कौम की नुमाइंदगी के लिए वहाँ चले गए पार्लियामान के अंदर, तो आईना करते हैं जब कंघी करते हैं आप या ब्रश करते हैं तो आईना किस तरह आप देखते होंगे, और सेकेंडली आप अपने बच्चों को क्या फेस करेंगे कल को जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वो जिस तरह हम क्वेश्चन करते हैं तो वो बड़े होकर क्वेश्चन तो करेंगे ना, फिर उनको पता होगा कि मेरा बाप या मेरी माँ जो थी वो पार्लियामेंट के अंदर थी, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे तो अब उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो बड़ा हार्ड टाइम हो सकता है आपके लिए। और इसके अलावा कौम को क्या आप जवाब देंगे, अपने खुदा को क्या जवाब देंगे कि आप अपनी कौम की नुमाइंदगी के लिए गए थे। तो प्लीज़ कभी तो होश में आ जाए, कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी कर लिया करें, ये छोटा छोटा डेस्क बजा लिया तो वॉकआउट कर लिया तो ये हो गया, ये इससे कुछ नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, कोई बड़ा रिएक्शन दें, कुछ नहीं होता। आज आपके पास सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीट मीडिया भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, खुद अपनी वीडियो बनाएं, सेल्फियाँ लें, सेल्फी ले के खुद ऐसी वीडियो बना के तो खुद चढ़ाएं, वज़ीर आज़म को टैग करें, कुछ ना कुछ करें, सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया आपको पिक कर लेगा, लेकिन कौम तो आपको याद रखेगी। तो अपने आपको आईने में देखने की काबिल अगर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ होश में आए, प्लीज़ होश में आए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, प्लीज़ थोड़ा सा तो गैरत का मादा अपने अंदर पैदा करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपने इस पैगाम को देखा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में या जिस तरह भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं फॉरवर्ड करना है, ये बड़ी मेहरबानी होगी, और इसके अलावा फेसबुक पर भी शेयर करें, जितना हो सकता है आप इसको आगे से आगे फैलाते जाएं, क्योंकि एक लड़ी बन जाती है। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज फ्लाविया खान एंड यू आर वॉचिंग वाओ टीवी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग इट, थैंक यू।